जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा है कि जागरूकता के साथ टीबी जैसी बीमारी को खत्म किया जा सकता है। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में 25% टीबी के मरीज भारत में हैं। जागरूकता के अभाव में कई मरीज इलाज से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि टीबी का इलाज संभव है, सभी सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत से टीबी जैसी घातक बीमारी को समूल नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एनएस टोलिया ने बताया कि गत वर्ष बागेश्वर जिले में 386 टीबी के मरीज थे, जिनमें से 291 मरीज ठीक हो चुके हैं, शेष का इलाज चल रहा है। इससे पूर्व नगर में जागरूकता के लिए साइकिल रैली आयोजित की गई थी। आज हम वर्ल्ड टीबी डे मना रहे हैं 24 मार्च को, और जो कि एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। और इस प्रोग्राम के हमारा जो मेन लक्ष्य है तो वो है लोगों को अवेयरनेस देना टीबी के लिए, जो कि टीबी आपको जैसे पता है कि काफ़ी समय से ये बीमारी हमारे बीच में है, लेकिन अभी तक हम इसको एलिमिनेट यानी कि इसको जो है जड़ से नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। तो यही हमारा इस दिन हम एक संकल्प लेते हैं कि हमें क्या क्या रणनीति अपनानी है और किस तरह से हमें ये टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। जैसे कि हमारा भारत सरकार का ये वो एक लक्ष्य उन्होंने रखा है कि 2025 में जो है हमको इसको जीरो करना है, यानी कि टीबी मुक्त भारत बनाना है। तो अब हम लोगों के पास ये महत्वपूर्ण ये लक्ष्य है कि हम इसको किस तरह से पूरा करें। तो इसमें हम लोग आज यही चीज़ हम लोग ये प्लानिंग होती है कि हम किस तरह से केस को नोटिफाई करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि टीबी को पहचानना, टीबी के लक्षण के द्वारा टीबी को पहले डायग्नोस करना। अगर हम सही वक्त पर और अर्ली यानी कि जितने जल्दी से जल्दी टीबी को हम अगर डायग्नोस कर लें तो, और प्रॉपर उसका जो 6 से 8 महीने ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपरली दे दें, तो हमारा जो ये लक्ष्य है वो हम चाहते हैं कि मतलब आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। तो यही हम लोगों का ये है कि इसमें आज हम लोगों ने CHOs हैं, आशा फैसिलिटेटर्स हैं और हमारे और स्वास्थ्यकर्मी हैं, इनको हमने बुलाया है और अभी हम इनको ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरह से रिमोट एरिया में, स्पेशली रिमोट एरिया में जहाँ पर गाँव में, जो क्योंकि तपेदिक एक ऐसी बीमारी है कि लोग छुपाते हैं, वो बताना नहीं चाहते, अपनी बीमारी को छुपाना चाहते। तो ये हमें जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है कि उसमें जागरूकता फैलाना कि किस तरह से हम उनको ये कहें कि भाई इसका जो है ये टीबी टोटली प्रिवेंटिव डिजीज़ है, यानी कि हम इसको रोक सकते हैं और इसको हम अगर सही वक्त पर इसको डायग्नोस कर लें और इसका पूरा का पूरा इसमें जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट इसको लें तो ये टीबी हमारी जड़ से जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि लोग 1-2 महीने ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और उससे क्या होता है कि जो बीमारी है वो और भी रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी कि रेसिस्टेंस मतलब उनको उनमें जो हम जो बेस लाइन हम जो दवाइयाँ देते हैं वो काम नहीं करती और लंबा और ट्रीटमेंट भी जो है लंबा करना पड़ता है, यानी कि वो MDR केस बोलते हैं, यानी कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, यानी कि ये जो बीमारियाँ जो बीमारी है जिसमें हम दवाई दे रहे हैं वो क्या है वो काम नहीं करती, फिर हमको क्या है हायर एंटीबायोटिक और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि महंगी भी होती हैं और लंबा भी ट्रीटमेंट चलता है। तो इसलिए हमें ये जागरूकता फैलानी है कि टीबी कोई नाइलाज बीमारी नहीं है, ये इसका 100% ये इलाज कर सकते हैं, 100% ये क्यूरेबल है, 100% ये प्रिवेंटेबल है। और प्रिवेंटेबल ये है कि अगर घर में किसी को टीबी होती है और वो जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो जाए तो वो कम से कम लोगों को टीबी फैलाएगा। तो ये जागरूकता अभियान भी हमें चलाना है, इनकी साफ़ सफाई जैसे कि घर को साफ रखना और धूप वाला कमरा हो और साथ में क्या हो कि स्वच्छता, और जहाँ पर जो भीड़ वाले एरिया होते हैं जैसे ओवर क्राउडेड एरिया होते हैं उन लोगों में ये ज़्यादा होती है, या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, मेन चीज़ है कि जिनकी इम्यूनिटी अगर कम है जैसे एड्स पेशेंट होता है या डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको पहले से बीमारी हो जैसे शुगर की बीमारी हो या पहले से कमज़ोर हो किसी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो तो ये बीमारी उसमें एकदम से फैलती है। क्यों? क्योंकि 40% केसेस में हमारे 40% केसेस में ये बैक्टीरिया हमारे अंडर में रहता है, यानी कि लेटेंट फेस में रहता है, उसमें लक्षण नहीं आते, लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो ये बीमारी तुरंत फ्लेयर अप हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए जागरूकता है, जागरूकता अभियान फैलाना है कि हमको क्या है कि लक्षण जो 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसको खांसी है, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसको बुखार है
वो जो और दवाइयों से नहीं जा रहे हैं, या उसको क्या है बलगम में खून आना, या वजन कम होना, या रात में क्या है बुखार, स्पेशली हल्का हल्का बुखार और कमजोरी, भूख न लगना, अगर ये लक्षण होते हैं तो तुरंत आपको क्या करना है बलगम की जांच करानी है। और ब्लड जांचेस भी हैं, एक्सरे है, ये सब हमारे जो है आजकल डॉट्स सेंटरों में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आप डॉट सेंटर में जाएँ और अपना जो है जैसे आपको ये लक्षण होते हैं तो अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कराएं, और जल्दी से जल्दी अगर ये बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो ये 100% क्योरेबल भी है, अगर बशर्ते है कि 6 से 8 महीने इसका संपूर्ण इलाज किया जाए। ये आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सब लोग इसमें भागीदारी लीजिए, अगर मान लिया किसी को अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत से तुरंत वो अपना रिपोर्ट करें। सर्वप्रथम मैं सारे चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने जो जन जागरूकता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आज के दिन जो 24 मार्च है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जो है हमारे डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा जो है फर्स्ट टीबी के डिस्कवरी की थी, बेसलाइन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उसी को लेकर जो है ये दिवस मनाया जाता है हर साल पूरे विश्व में। तो इस बार की जो थीम थी इन्वेस्ट पे द इन्वेस्ट द मनी और सेव द लाइफ, तो मेरा ये मानना है कि जैसा कि बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहना चाहूँ तो बागेश्वर में जो भी अभी तक का जो ट्रेंड बना हुआ है लगभग ना बड़ा है ना कम हुआ है, क्योंकि पिछले में जो लास्ट ईयर जो हमारा क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमारा जो टोटल जो है हमारा आता है उसमें रिकॉर्ड में जिस जो कि नीचे जो हमारा पोर्टल है उसमें एंट्री के लिए, तो उसमें जो है अभी जो है 382 जो केसेस हमारे डिटेक्ट हुए थे, और लास्ट उससे पहले 2020 में जो है हमारा जो है 412 केस हमारे जो है मिले थे, नोटिफाई हुए थे। तो थोड़ा सा पिछली बार इसलिए कम रहा है कि ताकि कोविड का जो बीच में एक दौर चल रहा था उस कारण से थोड़ी कमी आई, लेकिन जो अभी तक का जो ट्रेंड बना हुआ है लगभग पैरेलल बना हुआ है, क्योंकि 400 के आसपास जो है हर साल जो है नोटिफाई हुए होते हैं। और हमारा जो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम, और हमारे अनेक जो है जितने भी हमारे गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च इस टीवी के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है और सभी को इसके बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है, और जन जन तक जो हमारी कोशिश रहती है कि इसको अवेयर करें और इसको जागरूकता के थ्रू आईसी के थ्रू जो हमारे अभी भी गाँव के लोग या उसमें एक मिथ्या बनी है कि टीवी होने पर जो है वो लोग खुल कर जो है सामने नहीं आते, जिस कारण से जो है टीबी का जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो अंदर छुपा के बैठते हैं, जिसके कारण जो है बाद में वो एक गंभीर रूप धारण कर लेते हैं, जिस कारण जो है उसको बाद में परेशानी। देखिए आज 24 मार्च है और आज के दिन वर्ल्ड टीबी डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और कोशिश हमारी यही है जैसा कि WHO ने भी टारगेट बना रखा है कि 2030 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, और नेशनल गवर्नमेंट ने भी टारगेट बनाया कि 2025 तक जो है टीबी मुक्त भारत हमें बनाना है। तो उसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स हर एरियाज़ में किए जा रहे हैं, चाहे डायग्नोसिस में हो, ट्रीटमेंट में हो, मॉनिटरिंग में हो, तो काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। बागेश्वर में भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बागेश्वर को भी हम लोग टीबी मुक्त बागेश्वर बनाएँ, और कोशिश यही है कि अभी लगभग हमारे जैसे 300-400 केसेस होते हैं तो इसको धीरे धीरे रिड्यूस करके हम लोग यहाँ पे पूरा एलिमिनेट टीबी को एलिमिनेट हम कर पाए। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि अगले दो साल में हम लोग इसको एलिमिनेट करें। ऑलरेडी जो है पिछले दो साल का अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो स्लाइटली हमारा नीचे की ओर जा रहा है, मतलब टीबी कम होते जा रहा है। तो हमारी यही कोशिश है, एक बार वो हमने केस आइडेंटिफाई कर लिया और फिर डायग्नोसिस वगैरह अगर हमारा प्रॉपर हो गया और उसका ट्रीटमेंट एक बार शुरू हो जाएगा तो हम लोग काफ़ी हद तक इसको जो है वो एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।